देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव। स्वागत है आपका प्राइम टीवी के खास सेगमेंट हेल्थ मथुरा में, जिसपे हम आपको अलग अलग डॉक्टर से आपको इंट्रोडक्शन कराते हैं और अलग अलग बीमारियों से निजात पाने के सॉल्यूशन भी दिलाते हैं। और आज के वक्त में जो यंगस्टर के साथ साथ ओल्ड एज सबसे की एक मेजर प्रॉब्लम है जॉइंट पेन, यानी कि अर्थराइटिस। अर्थराइटिस धीरे धीरे लोगों को अपने चपेट में लेते जा रहा है और उसका खासा वजह कई वजह देखा जाता है। अगर बात करें कि अनहेल्दी लाइफस्टाइल की, हमारे जो यंगस्टर हैं वो ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, ज़्यादा काम करते हैं। और इसी टॉपिक पर, इसी बीमारी से रिलेटेड आज हमसे बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर देवेश कुमार श्रीवास्तव हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि उत्तर प्रदेश आयुष डिपार्टमेंट से रिटायर्ड हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हेल्थ मथुरा में। सर, क्या होता है अर्थराइटिस और इसके होने के मुख्य वजह क्या होते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न किया है। आज पूरा देश ही नहीं, पूरी दुनिया जो है आर्थराइटिस और जोड़ों के दर्द, स्पॉन्डिलाइटिस से सबसे परेशान हो रही है। आपने जो इसका कारण पूछा है, वही आजकल कारण जो है इस फास्ट लाइफ है। सबसे बड़ा मुख्य कारण है फास्ट लाइफ। हर व्यक्ति जो है भाग रहा है, दौड़ रहा है, अपने शरीर के लिए ना उठने बैठने का तरीका पता चल रहा है उसको कि किस तरह से उठना है, किस तरह से बैठना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। और इसका मैं सबसे पहला मुख्य कारण बताना चाहूँगा कि इसमें लोगों के वात पित्त कफ, तीन दोष हमारे आयुर्वेद में होते हैं। तीन दोष जब इम्बैलेंस हो जाते हैं और सात स्रोत होते हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ऊज, जब इसमें अवरुद्धता आ जाती है और वात पित्त कफ जब प्रकोपित हो जाते हैं, तब यह इस तरह के दोष जो है वो उत्पन्न होते हैं। और जॉइंट में मोबिलिटी का, लिक्विडिटी कम हो जाती है, साइनोवियल फ्लूइड होता है वो कम हो जाता है, और जोड़ों में दर्द महसूस होता है, एंकल में दर्द महसूस होता है, सारी घुटने में दर्द शुरू होता है। शुरुआत यहाँ से होती है, उंगलियों में, जैसे सुबह उठते हैं लोग तो उसमें उंगलियों में दर्द महसूस होता है, तो ये इसका जो है इस तरह का ये महसूस होता है। और कारण आपको जो बताना चाहेंगे वो है उचित खान पान, अच्छी दिनचर्या नहीं होती है, जिसकी वजह से आज हमारे युवा और बुज़ुर्गों को इस तरह की बहुत सारी परेशानियां जो है उठानी पड़ती है। जॉइंट पेन है, उसके साथ साथ और भी बहुत सारे रोग होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो है वो जॉइंट पेन इस तरह से शुरुआत हो जाती है। कितने प्रकार के अर्थराइटिस होते हैं? अर्थराइटिस एक्चुअली ये तो रिमेटॉइड अर्थराइटिस होता है, इसमें ऑस्टियो अर्थराइटिस है, ऑस्टियोपोरोसिस है, गाउट है, तो इसमें ये सारी चीज़ें जो हैं इतनी डिफरेंट डिफरेंट जो होती है वो सारी सिम्टोमेटिक होती है, बहुत अलग अलग तरह से तरीके से होती है। जैसे अर्थराइटिस है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, तो इसमें फीवर वगैरह थोड़ा सा आता है और जॉइंट्स में तो पेन शुरू हो जाता है। गाउट में क्या होता है, पूरी उंगलियों के जोड़ों में सब सारी चीज़ें दर्द शुरू हो जाता है, और दर्द होते होते जब जीर्णावस्था मतलब सीवियर पोजिशन आ जाती है तो उंगलियाँ टेढ़ी होने लगती हैं, पैर टेढ़ा होने लगता है। ये जो है हर वर्ग के लोगों को हो सकता है, बच्चों को भी हो सकता है, बुज़ुर्गों को भी हो सकता है। ये मुख्य कारण मैंने बताया था कि उचित खान पान न रहने से, उचित दिनचर्या लोगों की जो है वो दिनचर्या अच्छी न रखने के कारण इस तरह की चीज़ें अचानक उनके शरीर में जो ये सारे रोग आक्रमण करते हैं, जिससे उनका शरीर जो है इस तरह से इस दोष से प्रकोपित हो जाता है। और ये सारी चीज़ें जो है इसको आदमी संभाल सकता है, लेकिन वो हम बताएंगे आपको बाद में। और जो एथराइटिस के इलाज है वो एलोपैथी से होम्योपैथिक में कितना अलग है? बहुत अच्छा प्रश्न है। ये हमारी जो थेरेपी, जो हमारी पैथी है आयुर्वेद, आज से नहीं, आज से 5000 साल पहले की है। मैं तो सीधा बोलता हूँ कि ये तो एलोपैथ हमारी 100-150 साल से अभी आई हुई है। हमारी जो आयुर्वेद है उसमें शास्त्रों में ऐसा ऐसा वर्णन है कि अगर दोषानुसार और जो दोष प्रकोपित होते हैं उनको अगर हम लोग जो है पंचकर्म, हमारे यहाँ जो चिकित्सा होती है पंचकर्म चिकित्सा होती है, जिसमें वमन, स्नेहन, स्वेदन, वमन, विरेचन, बस्ती ये देते हैं, तो मुख्य रूप से
जो इसमें करते हैं हम विरेचन और बस्ती करते हैं, विरेचन और बस्ती से हम क्रॉनिक से क्रॉनिक कोई भी ऑस्टियोआर्थराइटिस है या जॉइंट पेन है और उसके साथ साथ हमारी पोटली मसाज है, पत्रपिंड स्वेद है, बालुका स्वेद है, बहुत सारी पोटली का वो इस्तेमाल करते हैं, धारा का इस्तेमाल करते हैं, उसमें सर्वांग धारा देते हैं, सर्वांग धारा से पूरे शरीर के सारे एक्सटर्नली भी करते हैं और इंटरनली भी बहुत सारी औषधियाँ हमारे पास हैं जो जड़ी बूटियाँ हैं, जो अगर आदमी चाहे तो अपनी दिनचर्या जो नियम संयम रहता है सुबह खाने से लेके और शाम तक सोने तक का जो नियम है उसको अगर कर ले, किचन में इवन किचन में मसाले हमारे हैं जो आदमी को हर व्यक्ति को स्वस्थ बनाए सकते हैं, मेरा मिशन ही यही है। और जो मैं 40 वर्षों से अभी मैं आयुष डिपार्टमेंट में रहा हूँ और अब रिटायर होकर मैंने अपना शुश्रुता रोगधाम जो ये ब्रांच खोली है लखनऊ में, तो ये मेरा इसी का मिशन है, शुश्रुता रोगधाम के माध्यम से लोगों को देश ही नहीं पूरी दुनिया को हानिकारक दवाओं से बचा के आयुर्वेद से स्वस्थ बनाना है। अभी भी हर समय हमारे यहाँ पेशेंट इस तरह के रहते हैं जो बड़े दूर दूर से आते हैं और उन लोगों को जो है आयुर्वेद से एलोपैथ में तो जो है ठीक है वो वक्ती आराम हो जाता है, लेकिन आयुर्वेद में क्या है एक रोग के साथ 10 रोग को और हम ठीक करते हैं, जब पंचकम करते हैं तो और ट्रीटमेंट देते हैं तो उसमें आयुर्वेदिक औषधियां हमारी इतनी उपयोगी इतनी प्रभावी होती हैं जो हमारे इस जॉइंट पेन के साथ साथ हमारे पेट का पूरा शोधन करती है करके, और जो भी होता है उदरस्थ दोष ही जब शाखाओं में शाखाश्रित हो जाते हैं, पेट अक्सर जो है इसका एक कारण और है कब्ज जो विबंध हो जाता है, मलबंध बोलते हैं, विबंध बोलते हैं, कब्ज बोलते हैं, तो जब आदमी का पेट ये दिनचर्या जो चल रही है आजकल कुछ भी आदमी खा रहा है चाउमीन ये सब सारी चीज़ें मैदे की चीज़ का खा रहा है तो इन सब के कारण जो है हमारा पेट जो है वो जो कब्ज मलबंध हो जाता है, सारे जो आंतों में वलय होते हैं वलय में ये सब डिपॉजिशन हो जाता है, वहाँ से सारे टॉक्सिन्स जो है हमारे कहा गया है उदरस्थ दोष ही शाखाओं में जब शाखाश्रित हो जाते हैं तभी रोग की उत्पत्ति होती है। आयुर्वेद में मेडिकेशन से मतलब समझ लीजिए कोई साइड इफेक्ट तो होना ही नहीं है, सबसे पहली चीज़ आयुर्वेद की ये नियम है कि कोई दोष नहीं होने, कोई रोग नहीं होना, कोई उससे मतलब वो नहीं होते नुकसान नहीं होना है, तो इसमें जो चीज़ है जो भी चीज़ इस्तेमाल होती है सुबह से लेकर शाम तक, अभी मैं बाद में दिनचर्या भी बताऊंगा कि किस तरह की दिनचर्या आदमी रख के कैसे अपने को पूर्ण रूप से स्वस्थ बना सकता है ये उसके हाथ में है, केवल ये सोच ले आदमी कि हमको अगर स्वस्थ बने रहना है केवल अपने शरीर पे एक घंटे से दो घंटे अगर मिलिट्री शासन अपने ऊपर लागू कर ले, मतलब मिलिट्री शासन कहने का मतलब अपनी वर्कआउट करे, योग और प्राणायाम करे, इतना अगर आदमी कर लेगा तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि उसको कोई रोग आ ही नहीं सकता। और जो उम्र आजकल लोग सोचते हैं, बुज़ुर्ग लोग सोचते हैं कि मैं 60 साल का हो गया हूँ और बस अब तो रिटायर हो गया और बुढ़ा हो गया, लेकिन मैं अब कह रहा हूँ मैं 62 साल का हूँ और मैंने अभी मिशन ये बनाया है कि मैं आज से कम मेरा मिशन ये है कि 40 साल तक मैं 100 वर्ष तक जिंदा रहने की अपनी परिकल्पना की है और उसमें और लोगों को जितने भी लोग हैं उनको हम ऐसा अवेयर करेंगे कि ना उनको दर्द होगा, ना उनका पेट खराब होगा, ना किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होगी। ये सब मैं लखनऊ में शुश्रुता रोगधाम में ये इस्टेब्लिश करने जा रहा हूँ, अभी लोग जो है आगे आ रहे हैं इस चीज़ को अप्रिशिएट कर रहे हैं। इसको एलोपैथ पे इंस्टेंट रिलीफ तो तुरंत होता है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन लॉन्ग टाइम जो इफेक्ट होता है वो आयुर्वेद का, वो तो ट्रीटमेंट हुआ तुरंत दर्द में आराम मिल गया, लेकिन आयुर्वेद में जो है वो ये सब जो चिकित्सा अगर कराए कोई जानु बस्ती कट बस्ती एंड सर्वांग धारा ये सारी चीज़ जो हमारी है पंचकर्म की टेक्निक्स हैं वो अगर करवाए तो समझ लीजिए कि हमारे शरीर को तुरंत का तुरंत आराम मिलेगा। केवल रिलैक्सेशन जो मेरी थेरेपी रिलैक्सेशन थेरेपी के माध्यम से केवल इस रिलैक्सेशन थेरेपी एक्यू मसाज अगर ले ले तो उससे जो है इमीडिएटली इससे आराम मिलेगा। बाकी हमारी जो औषधियाँ हैं वो एलोपैथ की इंस्टेंट आराम करती है, हमारी जो औषधियाँ रहती हैं वो बहुत देर नहीं लगाती हैं, वो भी काम करती हैं और इंस्टेंट विद इन 10-15 डेज उसका रिएक्शन शुरू हो जाता है और वो लेकिन लॉन्ग टाइम तक रहता है और जड़ से ठीक होता है। आयुर्वेद जो भी औषधि और चिकित्सा करता है उससे हर मरीज को जो है कोई भी रोग है, इवन हार्ट की ब्लॉकेज है तो भी लोग घबराने की ज़रूरत नहीं है, उसमें भी हार्ट की ब्लॉकेज है, लीवर है, किडनी है, ये सारी चीज़ें सब आयुर्वेद में इसका इलाज संभव है और बहुत ही तरीके से इसका इलाज होता है।
आजकल लोग मोटापा से बहुत ज़्यादा परेशान हो, चाहे वो किसी वर्ग के लोग हो, तो मोटापा कैसे कंट्रोल किया जा सकता है आयुर्वेद के थ्रू? बिल्कुल सही कह रहे हैं। मोटापा मालूम है क्यों होता है? क्योंकि जब वो जॉइंट पेन शुरू हो गया तो लोग वॉक नहीं कर पा रहे हैं, खाने पीने में अपना ज़्यादा समय निकालते हैं, खूब खा रहे हैं, इनटेक कर रहे हैं, लेकिन आउटटेक नहीं हो रहा, बाहर कुछ भी नहीं एनर्जी लॉस कर रहे हैं, बस केवल एनर्जी गेन कर रहे हैं। तो ये सब मोटापा का सबसे बड़ा कारण अनुचित खान पान है। अगर और मोटापा जो है केवल आयुर्वेद से, आयुर्वेद में बहुत सारी चीज़ें जो पंचकर्म करते हैं, आयुर्वेद पंचकर्म से जो है मोटापा बहुत ही जल्दी मतलब 1 महीने से 3 महीने में बिल्कुल 10 से 15 किलो वेट तक वो कम हो जाता है। लोग शास्त्रोक्त तरीके से अगर पंचकर्म कराएं, मैं पंचकर्म का विशेषज्ञ हूँ, यहाँ पे आयुर्वेद पंचकर्म सारा ट्रीटमेंट देता हूँ, उससे ऐसे ऐसे लोगों को जो है रिड्यूस किया है, और रिड्यूस हो सकते हैं केवल उनकी उचित खान पान, और बाकी अगर जॉइंट पेन हो रहा है लोगों को, आर्थराइटिस हो रही है, वो उसका ट्रीटमेंट पंचकर्म चिकित्सा पहले करवाते हैं फिर ट्रीटमेंट कराते हैं। आयुर्वेदिक ऐसी ऐसी औषधियाँ हों जो जो है मतलब ये ना समझें लोग कि अब आर्थराइटिस हो गया, गठिया हो गया तो अब हमारी ज़िंदगी गई, ऐसा नहीं है। आयुर्वेद में आएँ, आयुर्वेद में इलाज कराएं, आयुर्वेद पंचकर्म कराएं, कटिबस्ती कराएं, जानुबस्ती, जैसे अभी आपने हॉस्पिटल में मेरे देखा इस तरह की लेडीज़ को जो है हमारा ट्रीटमेंट चल रहा है, उससे उसके माध्यम से हम चाहें तो हर व्यक्ति को स्वस्थ बनाए रख सकते हैं। कोई भी रोग है डरने की ज़रूरत नहीं है, केवल 1% मैं केवल ये कहता हूँ कि सर्जरी की ज़रूरत है, नहीं तो 99% बॉडली कोई भी आप लोगों को कोई भी तकलीफ है वो 99% आयुर्वेद से ठीक की जा सकती है, ऐसा मेरा कॉन्फिडेंस है, जो शुश्रुत आरोग्यधाम में ऐसे लोगों को ठीक किया जा रहा है। अपने कार्यकाल में कितना आपने लोगों को एक पहुंच जो आयुर्वेदिक है कितने लोगों तक पहुंचाया और कितने लोगों को जागरूक किया आयुर्वेद के प्रति? लोग कहते हैं यहाँ महंगी भी चिकित्सा है, ऐसा नहीं है, महंगी चिकित्सा है और लंबी चिकित्सा है, ऐसा नहीं है। दोनों चीज़ों में मैं बताना चाहूँगा कि पूरा हमारा जो है आयुर्वेद जो है वो आप ले आइए, हम तो गरीबों के लिए भी यहाँ पे चिकित्सा करते हैं, उनको मुश्किल से जो है 20-25 रुपए में भी एक दिन की दवा मैं उपलब्ध कराता हूँ, इतनी सस्ती चिकित्सा है और इतनी दीर्घकालीन चिकित्सा है, इसमें लंबे समय तक आराम बना रहता है। जैसे पंचकर्म है, पंचकर्म से अगर हर आदमी जो स्वस्थ है वो भी पंचकर्म कराए, जो अस्वस्थ है जो रोगी है वो भी पंचकर्म कराए, तो वो उसका जो रोगी है उसका रोग भी दूर होगा, और जो स्वस्थ व्यक्ति है उसको कभी भी उसकी इम्यूनिटी जो है वो स्ट्रांग रहेगी, उसकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, और क्रॉनिक से क्रॉनिक कोई भी एलिमेंट है वो धीरे धीरे ये जो हम पंचकर्म कराते हैं उससे सारा जो है उसमें पंचकर्म में हम जो है स्नेहन स्वेदन वमन विरेचन नस्य बस्ती और रक्त मोक्षण ये सारा चीज़ें करते हैं। इसके माध्यम से मैंने सैकड़ों मरीजों को जो है ठीक किया है और ठीक हो रहे हैं। इसके लिए अब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय योगी जी, इस पे जब मैं इसमें कार्यकाल में रहा हूँ, मैंने पूरा कोरोना काल में करोड़ों लोगों को जो है अपने सोशल मीडिया के थ्रू और अपने माध्यम से लोगों को स्वस्थ बनाया है, और वो उसका मुझे हम लोगों को रिजल्ट भी मिला, इसका समझ लीजिए अप्रिशिएशन भी मोदी जी के द्वारा, और पूरी नहीं जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर थे हर्षवर्धन साहब, वो पूरी जो अध्यक्ष हो गए थे WHO के, उन्होंने अप्रिशिएट किया कि आयुर्वेद पूरी दुनिया जो है आयुर्वेद की दीवानी है। या हर्षवर्धन जी जबकि MBBS है लेकिन आयुर्वेद की प्रशंसा वो जो है ज़्यादा से ज़्यादा आयुर्वेद की प्रशंसा करते हैं, कहते हैं आयुर्वेद है तो हम हैं, मतलब मेरा भी यही स्लोगन है, आयुर्वेद है तो हम हैं, नहीं तो दुनिया ख़त्म। ये समझिए कि हर व्यक्ति को स्टार्ट किचन से करना है, किचन में सब सारी चीज़ें कैसे खाना क्या करना, हम दिनचर्या बताते हैं, हम ऋतुचर्या बताते हैं, सारी चीज़ें हम ये बताते हैं कि कैसे हमारे लोग जो है पूर्ण रूप से कैसे स्वस्थ बने रहें, और इसका रिजल्ट हमको माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा, योगी जी द्वारा, और हमारे स्वास्थ्य मंत्री जो कैबिनेट हेल्थ सेक्रेटरी थे जो WHO के समय हर्षवर्धन साहब, वो उस पर बाकायदा इसके प्रमोशन के लिए आयुर्वेद के पूरा चल रहा है, उसमें हम लोगों का सहयोग पूरा हो रहा है। अभी हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी श्री मुकेश मेश्राम साहब ने अभी एक वेबिनार बनाया था जिसमें हमारी रिलैक्सेशन थेरेपी जो है उसको उन्होंने अप्रिशिएट करके जितने बोला कि ये आप जो है हमारे जितने टूरिस्ट प्लेस हैं वहाँ पे आप इसको रिलैक्सेशन थेरेपी और आयुर्वेद को इसको इस्टेब्लिश करके आप उसको बढ़ाइए, उस पर वो सब्सिडी दे रहे हैं, कह रहे हैं 30% सब्सिडी देंगे। आई एम प्राउड ऑफ हिम कि उन्होंने इस तरह के इनिशिएटिव लेके गवर्नमेंट का ये कार्य जो हो रहा है वो वेरी बहुत ही अप्रिशिएबल है, और मेरी हम लोगों का जो हुनर है, हम लोगों की जो अंदर नॉलेज है, हमारे आयुर्वेद के ग्रेजुएट हर जगह हर कोने में हर जगह हैं,
समझ लीजिए हर गांव-गांव के कोने में बैठे हुए हैं, और हम लोगों को अगर इस तरह से प्रमोशन मिला तो केवल हमारे आयुर्वेद के माध्यम से ही हम हर व्यक्ति को स्वस्थ बनाए रखेंगे, ना उनको जो है सर्जरी की जरूरत पड़ेगी और ना किसी ऑपरेशन की जरूरत पड़ेगी। कितने प्रकार के एथराइटिस होते हैं, और इसके पहले आप आयुष डिपार्टमेंट में थे और उत्तर प्रदेश आयुष डिपार्टमेंट में थे, और अभी जो औषधि इंडिया उसके थ्रू जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो भी बहुत ही मदद करने की कोशिश कर रहे हैं देश के लोगों को, तो आपके कार्यकाल में कितना आपको हेल्प मिला गवर्नमेंट की तरफ से? आयुर्वेद यही मिशन चल रहा है, मैंने ये मिशन चलाया है कि देश ही नहीं पूरी दुनिया को हानिकारक दवाओं से बचाना है मुझे, और उसको बचाने के लिए ये समझ लीजिए कि हमको कुछ नहीं करना है, केवल अवेयरनेस करना है। सबसे बड़ी चीज़, हम तो प्राइम चैनल का धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने इस तरह के कार्यक्रम को बढ़ाया है, एक बाकायदा ग्रुप वो बनाया है, एक पूरा चैनल बनाया है हम लोगों के लिए, हम लोग जो हम लोगों की बात है वो पूरी दुनिया में, देश ही नहीं पूरी दुनिया में इसको जो है देखा जा रहा है चैनल को, और इसके माध्यम से हम लोगों को जो आपने कहा कि कैसे हम इसको प्रमोट कर सकते हैं, हम हर व्यक्ति को जगह जगह कैंप के माध्यम से, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से हम जो है ये सब काम कर रहे हैं, और ये अनवरत 40 वर्षों से मेरी फाइल देखिए, ये अवार्ड तो थोड़े से रखे हुए हैं, बाकी पता नहीं कितने अवार्ड्स पड़े हुए, मुझे अवार्ड्स की तमन्ना नहीं, मुझे बस लोग हमारे स्वस्थ बने रहे वो हमारी सबसे पहली और आखिरी वो तमन्ना है। कि देखिए आयुर्वेद जो है वो आयुर्वेद ही हमारी भारतीय चिकित्सा पद्धति जो है वही थी दुनिया में, उसी के द्वारा आदमी जो है जिंदा है, अब तक जिंदा है और अब तक और आखिर तक जिंदा रहेगा। आयुर्वेद से ही उसके एक्सट्रैक्शन निकाल के उसकी होम्योपैथिक दवाएं बनती हैं। एलोपैथ की जो है वो अभी 100-150 साल पहले आए हैं, तो उनका जो है ये है कि उनका सारा जितनी भी दवाएं हैं एक्सट्रैक्ट वो भी निकाल के उन्हीं दवाओं से एक्सट्रैक्ट निकाल के और ये सब सारी चीज़ें करके उसको डेवलप करके टैबलेट फॉर्म में करते हैं, मॉडर्न फॉर्म में कर देते हैं। सर्जरी जो है वो हमारे सुश्रुत की थी, सुश्रुत जो है वो सर्जरी के जन्मदाता थे, वो हजारों साल पहले उन्हीं की सर्जरी के माध्यम से ही ये आज जो है सर्जरी जो हो रही डेवलपमेंट हो रहा है उसको तो मैं एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ बताने जा रहा हूँ कि आज सर्जरी केवल हमारे आयुर्वेद में उसको हमको शुरू से नहीं अपनाने दिया है, अब हमारे प्रधानमंत्री महोदय के जो है उसके माध्यम से प्रधानमंत्री उन्होंने कहा कि नहीं सर्जरी भी जो है 300 तरह की सर्जरी अब हमारे ग्रेजुएट्स जो पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं वो सीखने जा रहे हैं, सारी सर्जरी भी आयुर्वेद में होगी, तो आयुर्वेद जो है वो सक्षम है, संपूर्ण चिकित्सा पद्धति ये सब सारे रोग को ठीक करेगा, और 1% जो सर्जरी का हम लोग छोड़ते थे कि 1% ये एलोपैथ की सर्जरी में है, बाकी 99% रोग है वो हम ठीक करने में सक्षम है, तो अब हमारे पास सर्जरी भी आ जाएगी तो हम लोग संपूर्ण चिकित्सा पद्धति हमारी हर व्यक्ति को स्वस्थ बनाए रखने के लिए बिल्कुल कारगर रहेगी। आज के दौड़ भाग भरी जिंदगी में युवा अपने लाइफस्टाइल का ध्यान नहीं रख पाते हैं, तो क्या कुछ वो अपने डाइट में शामिल करें जिससे उनकी लाइफस्टाइल हेल्दी हो और वो बीमारियों से दूर रहें? अब ये समझिए कि मैं चमोली में पोस्टेड था, गुलाब कोटी ऐसी जगह जहाँ पे मतलब चढ़ के बिल्कुल पकड़ के ऊपर चढ़ना पड़ता था, मैं गुलाब कोटी में पोस्टेड था, वहाँ से मैंने ये आयुर्वेद की शुरुआत की है, लोगों को जड़ी बूटियों से जो आसपास की जड़ी बूटियाँ थी उससे हमने उनको स्वस्थ बनाया है, और उसके बाद आज तक मेरा ये मिशन रहा है कि केवल जड़ी बूटियों से, किचन में मसालों से, आसपास की जड़ी बूटियों से कैसे हमारा आदमी स्वस्थ बना रहे। फिर उसके बाद जब मेरी एक्सपर्टाइज है पंचकर्म में, आयुर्वेद में, तो आयुर्वेद में ऐसी दवाएं हैं जो आदमी को बिल्कुल रिजुविनेट कर दें, जर्जर शरीर भी आप अगर हमको दे दीजिए तो वो भी रिजुविनेट हो सकता है। आयुर्वेद की औषधियों में कोई नुकसान नहीं है, सारी नियम और संयम जो है उसमें बताए जाते हैं कैसे करना है, लेकिन उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि आयुर्वेद की जो औषधियाँ होती हैं उसका शरीर का सबसे पहला शोधन बहुत ज़रूरी है, जैसे हमारी गाड़ी की सर्विसिंग ज़रूरी है वैसे हमारा शरीर भी जो है शोधन करने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने शास्त्रोक्त तरीके से पंचकर्म की जो है वो पंचकर्म बनाया कि 5 कर्म ज़रूर होने चाहिए जिससे पूरा शरीर का शुद्धिकरण हो जाए। साल में अगर एक बार हर व्यक्ति अगर ये पंचकर्म करा ले उसको कोई भी रोग नहीं होगा। जैसे मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ, जापान में एक ऐसा शहर है जहाँ पे उम्र जो है 100 वर्ष से नीचे है ही नहीं किसी की,
तो वहाँ क्या था, वहाँ केवल मेंटल जो है वो सोच है उनकी कि हम वो रिटायर नहीं होते हैं, वो रिटायर नहीं होते, वो कहते हैं 60 साल के बाद जैसे यहाँ पे रिटायरमेंट दिया जाता, नहीं वही फीलिंग हमने डेवलप किया है कि हम लोगों को फीलिंग डेवलप कराएंगे कि आप रिटायर नहीं है, 60 साल के बाद तो आपको काम करना है, अब तो कार्यमुक्त हम वहाँ से हुए सरकार की तरफ से, अब अपना काम हमको शुरू करना है। तो ये अगर फीलिंग हमारे अंदर, जैसा हम सोचेंगे वैसा हम बनेंगे, जैसी सोच वैसी वो। पहले मैं बताना चाहूँगी कि आयुर्वेद में ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है, आयुर्वेदिक मेडिसिन हमारे पास बहुत सारी हैं, कैशोर गुगुल, महायोगराज गुगुल, योगराज गुगुल और पुनर्नवा गुगुल, सब बहुत सारी गुगुल है। फिर उसके बाद दशमूला रिस्ट है, अश्वगंधा रिस्ट है, ये सारे कॉम्बिनेशन हम देते हैं। दर्द के लिए हमारे पास सुरंजान है, बाकी कॉम्बिनेशन जो बनाते हैं हमारे यहाँ मेथी हल्दी जो किचन में रखा है वो सब हमारे लिए बहुत उपयोगी रहते हैं। जैसे दर्द अगर हो रहा है लोगों को, अब घरेलू उपचार भी साथ साथ बताते जा रहे हैं कि घरेलू उपचार में जैसे अगर आदमी भयंकर शुरुआत दर्द की हो रही है तो आधा चम्मच मेथी जो है वो सुबह के टाइम फांक ले, अगर उसको फैट भी है तो आधा चम्मच अजवाइन उसका दोनों मिला के उसका सेवन करे, थोड़ा सा चौथाई चम्मच अलसी उसका भी सेवन करें अलसी का, और कलौंजी बहुत उपयोगी होती है वो भी चौथाई चम्मच अगर उसका सेवन करें तो ये बॉडी में जो भी जो है इम्यूनिटी भी बढ़ती है। और 5 तुलसी की पत्ती, 5 नीम की पत्ती वो भी नियम से खाए, इससे भी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। तो ये इतनी चीज़ें हैं, बाकी हर व्यक्ति ये समझे कि उसका पेट जो है वो साफ होना चाहिए। पंचकर्म जहाँ पे भी उपलब्ध है, ये लखनऊ में हमने इस्टेब्लिश किया है, अभी बाकी और यहाँ पर प्लानिंग है कि सब जगह इस्टेब्लिश करके आप लोगों को, आप लोगों के अंदर ये भावना बढ़नी है हमको कि आप लोग अस्वस्थ नहीं हैं, केवल थोड़े से दोष प्रकोपित हो जाते हैं, उन्हीं दोष की वजह से होता है। अब आपको बताते हैं क्या क्या चीज़ें आपको सेवन करनी चाहिए। जैसे एलोवेरा है, एलोवेरा का जूस थोड़ा सा स्लाइस काट के थोड़ा सा 1 इंच का गूदा उसको भी सेवन करते हैं तो उससे बहुत आराम मिलता है। बाकी जो है दशमूल, कई तरह की जड़ें होती हैं वो हम इस्तेमाल करते हैं, उसके माध्यम से काढ़ा देते हैं, वो रासनादी क्वाथ है वो इस्तेमाल करते हैं, वो उससे करते हैं। लेकिन सबसे मुख्य कारण है स्वस्थ बने रहने के लिए जो घरेलू उपचार आपने पूछा है वो ये है कि पेट साफ होना ज़रूरी है। तो हमारे हर जगह पंसारी के यहाँ से भी आप ले सकते हैं हर बहड़ा आंवला, और आप उसका चूर्ण खुद भी बना के उसको जो है त्रिफला 1 चम्मच रात में सोते समय गुनगुने गर्म पानी से खाएंगे तो आप लोगों को बहुत आराम होगा और कई रोगों से आप बचे रह सकते हैं। आज के समय में मोटापा लोगों की एक बड़ी प्रॉब्लम है, तो मोटापा का कितना कुछ अफेक्ट एथराइटिस पे होता है? आयुर्वेद के जरिए मैं बच्चों को बस ये संदेश देना चाहता हूँ कि सबसे पहला काम जो है अपनी नियमित दिनचर्या रखें, आप जो चाउमीन और समोसा और ये सारी चीज़ें जो खा रहे हैं उसके साथ सलाद आप खा लीजिए, उससे बचे रहेंगे। खीरा खाइए, टमाटर ले जाइए अपने साथ में, टमाटर खाइए, मूली खाइए, ये सब चीज़ रखे रहिए कटवा के अपना, और थोड़ा सा नींबू रखे रहिए, बाद में नींबू निचोड़ के उसको खाइए। तो इससे आपका एक्चुअली हमारा शरीर जो होता है 2 तत्वों से बना हुआ है, अम्लीय और क्षारीय। तो अम्लीय तत्व जो है हमारे शरीर में ज़्यादा नहीं बढ़ने चाहिए क्योंकि हमारा ब्लड हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा होता है और वो क्षारीय होता है। तो अगर क्षारीय तत्व हम सेवन करेंगे, क्षारीय तत्व हमको जो मिलते हैं वो हरी फल फूल सब्जियों से मिलते हैं। मैक्सिमम अपनी माँ को, मम्मी को आप ये भी मैसेज दीजिए कि एक बहुत बढ़िया नुस्खा बताने जा रहा हूँ, वो ये है कि आटे में कोई भी, पूरी देशी नहीं पूरी दुनिया को ये संदेश दे रहा हूँ कि आटे में पानी नहीं डालना है, पानी से आटा नहीं सानना है। आप कहेंगे तो किससे सानना है, तो वो मैं बता रहा हूँ, करेला भिंडी छोड़ के बाकी सारी सब्जियाँ जैसे भाजी बनाते हैं कुकर में डालिए, आधा गिलास पानी डालिए, उसके बाद उसको अगर मिक्सी है तो मैश करिए, नहीं तो छन्नी ले लीजिए बड़ी वाली जो उसमें में छानते हैं, उसको मैश बना के उसका पल्प निकालिए और आटे में सानिए। ये इसमें मैक्सिमम प्रोटीन और मिनरल्स होंगे जो हमारे बच्चों की जो नवजात से शुरुआत से जो 1 साल से बच्चों को खाना खिलाया जाता है, अगर ये आपने खाना खिलाने की आदत डाल दिया तो बच्चों के अंदर इतनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बनेगी कि आप, मैं इमेजिन नहीं कर सकता हूँ। एक ये चीज़ है, बाकी जो लोगों को दर्द वगैरह हो रहा है वो सीधे आयुर्वेद सेंटर में आए, हमारे यहाँ या जहाँ भी, हमको ऑनलाइन कॉल कर सकते हैं मेरे नंबर पे। तो उसमें जो है मैं आपको बताऊँगा कि केवल अगर शुरुआत है तो हम जानू बस्ती करते हैं, ग्रीवा बस्ती, गले में गंदत में दर्द है तो ग्रीवा बस्ती देते हैं, इमीडिएटली रिस्पॉन्स मिलता है। मैं एक्यूपंक्चरिस्ट हूँ और रिफ्लेक्सोलॉजिस्ट भी हूँ, तो रिलैक्सेशन थेरेपी हमने जो बनाई है उसके माध्यम से लोगों को मैं मैजिकली तुरंत का तुरंत ठीक करता हूँ। तो वो सारी चीज़ें अगर मेरे पास भी आ जाते हैं लोग तो ये मिलेगा, अगर ऑनलाइन भी
को कॉल करते हैं तो हम जो है उनको तुरंत जो है इसका जो है निवारण बताऊंगा। मुझसे ऑनलाइन अमेरिका से बात होती है, जर्मनी से बात लोग करते हैं, कहते हैं कि सर ये प्रॉब्लम है, वहीं पे मैं स्टिमुलेशन दिलवाता हूँ, वहीं आराम हो जाता है। एंड सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो भी आपने हमें इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी है, आई होप कि मेरे जो यंगस्टर दर्शक है उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि आज के समय में सबसे मेजर प्रॉब्लम जो है वो यंगस्टर्स के साथ है। हेल्दी लाइफ स्टाइल में वो कैपेबल नहीं हो पाते हैं अपने लाइफ स्टाइल को मेनटेन करने में, तो आई होप उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा वो यहाँ आए और ट्रीटमेंट लें और अपनी लाइफ स्टाइल को हेल्दी बनाएं। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू। तो थे डॉक्टर देवेश कुमार श्रीवास्तव, जिन्होंने बताया आयुर्वेद में किस तरह के इलाज है और किस तरह से वो अपनी लाइफस्टाइल हेल्दी रखकर तमाम बीमारियों से बच सकते हैं। हम अपने इस खास कार्यक्रम हेल्थ मंत्रा में ऐसे ही तमाम और एक्सपर्ट डॉक्टर से आपकी मुलाकात कराते रहते, देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।